सो ये है हुंडई की मिनी वर्ना और अगर फेसलिफ्ट एंड दिस इज द एस मॉडल, यानी कि सेकेंड मॉडल है, जो कि बहुत ही वैल्यू फॉर मनी है और वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग मॉडल भी है ये। सो ये डिज़ायर VXi और अमेज एस मॉडल के साथ कॉम्पीट करता है, जो कि अगेन उन दोनों ही रिस्पेक्टिव कार्स के बेस्ट सेलिंग ट्रिम्स है और ये काफ़ी वैल्यू फॉर मनी मिलता है। यहाँ पे आपको 4 ईयर बैग्स मिल जाते हैं, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम अवेलेबल है, बहुत ही कमाल के फीचर्स मिलेंगे, इवन अंदर एम्बिएंट लाइट भी दी गई है। सो रियर में आर्मरेस्ट वगैरह सारी फीचर्स अवेलेबल है, तो यहाँ पे सारी फीचर्स वो दिए गए हैं जो कि एक फैमिली सेडान के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। एंड फटाफट से शेयर करते हैं इसका एक डिटेल्स का वॉक अराउंड विद ऑन रोड प्राइस एंड ऑल द डिटेल्स। सो चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू टीम कार लाइट। फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें। सो दिस इज़ द फ्रंट लुक, गाड़ी की जो लुक है और भी ज़्यादा पहले से स्टाइलिश कर दी गई है। यहाँ पे आपको नॉर्मल हेलोजन हेडलैम्प मिल जाएंगे, हाई बीम लो बीम हेलोजन में दी गई है। एंड इसी के साथ यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको डेटेम रनिंग लाइट्स मिलती है, फॉग लैम्प कोई भी अवेलेबल नहीं है और यहाँ पे एयर कर्टन दिया गया है बहुत ही बिग साइज़ की। यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश में ग्रिल और पियानो ब्लैक फिनिश में यहाँ पे भी आपको ग्रिल मिल जाती है। ये है हुंडई का लोगो जो कि थोड़ा डिफरेंटली डिजाइंड है। एंड दोस्तों ये है गाड़ी की साइड प्रोफाइल, वारंटी अब यहाँ पे आप एक्सटेंड करवा सकते हैं अप टू 7 ईयर्स तक की, साथ में आपको रोड साइड असिस्टेंस भी यहाँ पे मिल जाती है, साथ में फ्रंट में डिस्क एंड रियर में यहाँ पे ड्रम ब्रेक्स अवेलेबल है और यहाँ पे 165 mm की आपको ग्राउंड क्लीयरेंस मिलती है, 37 लीटर्स की यहाँ पे फ्यूल टैंक कैपेसिटी दी गई है और कंप्लीट जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन कंपेरिजन है और जो डायमेंशन कंपेरिजन है वो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे कलर ऑप्शन भी मिल जाते हैं जो कि अगेन आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे रेड कलर अवेलेबल है, वी हैव गॉट अ वाइट कलर, सिल्वर कलर, ग्रे कलर, तो मल्टीपल चॉइस आपको मिल जाती है इन द कलर ऑप्शन। एंड इसी के साथ गाइस कुछ ऐसे आपको यहाँ पे व्हील मिलता है इस मॉडल में जो कि बहुत ही स्पोर्टी डिज़ाइन है, आपको लग रहा होगा ये अलॉय व्हील है लेकिन ये स्टील व्हील है और ये व्हील कवर है यू कैन सी। एंड ये 15 inches का दिया गया है, 175/60 सेक्शन टायर। फ्रंट फेंडर पे टर्न इंडिकेटर मिलेगा, यहाँ पे टर्न इंडिकेटर नहीं दिया गया। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है ये, फोल्डेबल नहीं है। और इसी के साथ यहाँ पे आप देखेंगे बॉडी कलर डोर हैंडल दिया गया है। यहाँ पे सी पिलर पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाती है और साथ में रियर में डिफॉगर। एंड दोस्तों ये है इसकी रियर लुक। सो रियर भी अगेन काफ़ी स्पोर्टी डिज़ाइन करी गई है बिकॉज यहाँ पे आपको रियर में स्पॉइलर मिल जाता है, देन यहाँ पे ऑरा की बैजिंग और यहाँ पे टेल लैम्प, कनेक्टिंग टेल लैम्प नहीं दिए गए तो यहाँ पे जस्ट एक क्रोम बार है। एंड LED जो टेल लैम्प है वो काफ़ी अच्छी लुक ऑफर करते हैं, सो दे आर वेरी ब्राइट। रियर में आपको 2 sensors मिलेंगे, 4 नहीं दिए गए और रियर बम्पर यहाँ पे रिफ्लेक्टर दिया गया है, इसके साथ ये जॉइनिंग यहाँ पे ब्लैक फिनिश। सो डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छे यहाँ पे स्टाइलिश एलिमेंट जो है वो यूज़ करे गए हैं। यहाँ पे आपको हेलोजन लाइट मिलेगी लाइसेंस प्लेट के लिए और यहाँ पे जो बूट ओपन करने के लिए वो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिया गया, ना यहाँ पे कोई की इंसर्ट करने के लिए दिया गया, तो अगर हमें बूट ओपन करना है तो हमें आगे से ही उसे ओपन करना पड़ेगा ड्राइवर साइड सीट के पास से, या फिर आप गाड़ी की चाबी से भी ओपन कर सकते हैं। एंड दोस्तों गाड़ी का जो ऑन रोड प्राइस है वो आप चेक कर सकते हैं अपनी स्क्रीन पर और इस गाड़ी की जो सर्विस कॉस्ट है, किसी भी गाड़ी की आप सर्विस कॉस्ट चेक करने जाते हैं वो भी 10 साल तक की, हर साल यहाँ पे क्या क्या चेंज होता है तो वो भी आप चेक कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। सो ज़रूर विजिट करें, लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको वहाँ पर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और ये पार्ट आपको अनकवर्ड मिलता है जो कि सेगमेंट में सब में ही ऑलमोस्ट दिया गया। एंड दिस इज़ द टोटल बूट स्पेस, काफ़ी अच्छा बूट स्पेस है, काफ़ी अच्छा एपिक्चर है। एंड अंदर देखेंगे तो यहाँ पे जो लैम्प है वो नहीं दिया गया, पहले यहाँ पे एस मॉडल में लैम्प होता था आई गेस, बट यहाँ पे अब रिमूव कर दिया गया, तो लैम्प होना चाहिए था। और यहाँ पे आप देखेंगे तो स्पेयर टायर दिया गया 14 inches का, 165/70 जो कि स्टील व्हील है। इसके साथ यहाँ पे सेफ्टी फीचर्स आपको काफ़ी कमाल के मिल जाते हैं इस मॉडल में, जो कि आपने शायद एक्सपेक्ट भी नहीं करा होगा। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, 2 एयरबैग्स की जगह आपको यहाँ पे 4 एयरबैग्स मिलेंगे, ABS विद EBD एंड सारी सेफ्टी फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल है। सो ऑरा फेसलिफ्ट जो है वो ऑलरेडी BS6 Phase 2 ट्यून्ड है। बात करते हैं इंजन ऑप्शन के बारे में, सो सबसे पहले तो बोनेट को ओपन कर लेते हैं। तो ऑरा में आपको यहाँ पे सिंगल इंजन ऑप्शन ही मिलेगा जो है 1.2 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। यहाँ पे मैनुअल गियरबॉक्स भी दिया गया है और आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक गियरबॉक्स भी मिल जाता है, विच इज़ द AMT ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स। तो यहाँ पे आपको CNG का ऑप्शन भी मिलेगा और नॉर्मल आप पेट्रोल भी ले सकते हैं। CNG कमर्शियल यूज़ के लिए और पर्सनल यूज़ दोनों के लिए अवेलेबल है।
और यहाँ पे आप देखेंगे तो अंडरबॉडी जो इंजन गार्ड है वो नहीं दिया गया। एंड दिस इज़ द इंजन, और मॉडल वाइज इंजन ऑप्शन एंड ट्रांसमिशन ऑप्शन भी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। और अब दोस्तों चेक करते हैं इंटीरियर्स, देखते हैं यहाँ पे अंदर क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं। तो अब चलते हैं इंटीरियर्स में, एंड कुछ ऐसी आपको यहाँ पे कीज़ मिल जाती है, एक स्टैंडर्ड की है और एक आपको ऐसी कुछ प्रीमियम सी की मिल जाती है हुंडई के न्यू लोगों के साथ, न्यू फॉन्ट वाले लोगों के साथ। सो लॉक एंड लॉक इन टेलगेट स्विच दिया गया है, रिमोट फोल्ड की ऑलरेडी आप काफ़ी सारी ये हुंडई कार्स में ऑलरेडी देख चुके हैं। सो कार ऑन कर लेते हैं, और ये है वेलकम फंक्शन, और दोस्तों ये है डैशबोर्ड की लुक। सो ट्रिपल टोन यहाँ पे डैशबोर्ड दिया गया है, यहाँ पे ब्रॉन्ज फिनिश आपको मिल जाती है जो कि काफ़ी प्रीमियम लगती है। एंड देन ये है फ्रंट सीट्स की लुक। सो यहाँ पे फैब्रिक प्लस लेदर सीटें पॉजिटिव अवेलेबल है, और आपको बैजिंग मिल जाती है, और यहाँ पे साइड्स में लेदर और यहाँ पे फैब्रिक। हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन भी दिया गया ड्राइवर साइड सीट के लिए। दिस इज द रियर सीट, एंड जो कैबिन है ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा एरी और काफ़ी रूमी है। यहाँ से आप बूट ओपन कर सकते हैं, यहाँ से आप फ्यूल लिड ओपन कर सकते हैं, क्लच फुट रेस्ट अवेलेबल है, यहाँ पे फुटवेल भी आपको एम्बिएंट लाइट भी मिलेगी। सो ब्लू कलर की लाइट दी गई है दोनों ही फ्रंट फुटवेल पे, यहाँ पे भी और उधर भी, नाइट में बहुत ही बढ़िया लगती है ये। देन यहाँ पे आपको हेडलैम्प लेवलर मिल जाता है विच इज़ एल्यूमिनेटेड, और ये है फ्रंट डोर। सो स्पीकर, बॉटल होल्डर, डोर पॉकेट, पावर विंडो कंट्रोल्स, जितने भी कंट्रोल्स यहाँ पे हैं सिर्फ ड्राइवर साइड स्विच ही आपको मिलेगा एल्यूमिनेटेड। ऑटो डाउन है एंड ऑटो अप नहीं है, साथ में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM, इट इज़ नॉट फोल्डेबल, लॉक अनलॉक, एंड इवन यहाँ पे 4 एयर बैग्स भी अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे एयर बैग की बैजिंग देख सकते हैं। सो काफ़ी सारे फीचर्स दिए गए हैं यहाँ पे, एंड डिज़ायर VXI एंड अमेज S मॉडल के साथ ये वेरियंट जो है लाइंड अप है, तो कुछ वैसे फीचर्स ऑफर करता है, थोड़े ज़्यादा फीचर्स भी हैं इसमें। यहाँ पे काफ़ी सारे स्टोरेज एरियाज अवेलेबल है, आपको ट्विन कप होल्डर स्पेस मिलती है, एंड गाइज ये है इन्वॉल्व की मोजीटो लेमन परफ्यूम, मेड इन इंडिया परफ्यूम है, यहाँ से आप फ्लो एडजस्ट कर सकते हैं। इसकी जो फ्रेगनेंस है बहुत ही फ्रेश लेमन फ्रेगनेंस है, स्ट्रॉन्ग है काफ़ी, तो कैबिन में जैसे आप एंटर करते हैं एकदम से आपका मूड ये रिफ्रेश कर देती है। अभी कभी विजिट करें involvesenses.com पे, यूज़ कूपन कोड टीम गाड़ीराइड टू गेट 10% ऑफ, एंड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम है, तो इंस्टेंटली जैसे रियर सीट में भी कोई बैठेगा तो उसको भी स्ट्रॉन्ग वो परफ्यूम वाला इफेक्ट फील होता है। एंड यहाँ पे आपको नॉर्मल गियर नॉब मिलेगी, जो लेदर आप गियर नॉब है बाद में 1500 में इंस्टॉल करवा सकते हैं हुंडई ओरिजिनल। कोई वायरलेस चार्जर अवेलेबल नहीं है, ये भी बाद में इंस्टॉल हो जाता है। सो यहाँ पे आपको एक सी टाइप USB पोर्ट मिलेगा, एक ए टाइप USB पोर्ट मिलता है, और ये है 12 वोल्ट का पावर सॉकेट, फिट एंड फिनिश क्वालिटी अगेन हुंडई की बहुत ही बढ़िया दी गई है। मैनुअल AC अवेलेबल है विद हीटर, यू कैन सी द क्वालिटी ऑफ स्विचेस बटन्स, और गाइज ये है इंफोटेनमेंट सिस्टम विद LCD डिस्प्ले, तो ये सपोर्ट करता है ब्लूटूथ रेडियो एंड USB को, और यहाँ पे 4 स्पीकर्स अवेलेबल हैं। फ्रंट में आपको ट्विटर्स नहीं मिलते, वो आप बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं। यहाँ पे एक स्टोरेज एरिया दिया गया है, देन वी हैव गॉट बिग साइज ग्लव बॉक्स विद कूलिंग फंक्शन, और इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे वैनिटी मिरर नहीं है इस मॉडल में, और डे एंड नाइट IRVM, यहाँ पे आपको एक लैम्प मिल जाता है सेंटर में, और इवन रियर में भी दिया गया, और यहाँ पे आपको एक टॉलर सीट होल्डर मिलेगा। एंड दोस्तों ये है स्टीयरिंग व्हील की लुक, सो हुंडई का ये न्यू स्टाइल लोगो, यहाँ पे एडजस्टमेंट, सो टिल्ट एडजस्टमेंट है, टेलीस्कोपिक आपको नहीं मिलेगी, लेकिन स्टीयरिंग व्हील काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी स्पोर्टी, न्यूज में भी सेम स्टीयरिंग व्हील मिलेगा। एंड लेफ्ट साइड आपको यहाँ पे ऑडियो कंट्रोल्स, ब्लूटूथ कॉलिंग कंट्रोल्स मिल जाएंगे, राइट साइड आप देखेंगे तो क्रूज कंट्रोल अवेलेबल नहीं है इस मॉडल में, ये है MIDK कंट्रोल्स। सो ये है गाइज MID स्क्रीन, जो कि काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करती है, डिजिटल लाइव स्पीड आपको मिल जाएगी, आउटसाइड टेम्परेचर इस मॉडल में डिस्प्ले नहीं होता, साथ में ड्राइव इन्फॉर्मेशन, एक्यूमुलेटेड इन्फॉर्मेशन यानी कि 2 ट्रिप मीटर दिए गए हैं जो कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड, माइलेज और रनिंग टाइम शो करते हैं, और इधर आप देखेंगे तो एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन और डिस्टेंस टू MT, साथ में यहाँ पे टायर प्रेशर इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाती है ऑल 4 टायर्स की। देन यहाँ पे कहीं सारी सेटिंग दी गई है, सो डोर की सेटिंग मिलती है, अगर आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली डोर जो है वो लॉक ना हो तो उसको आप ऑफ कर सकते हैं, अनलॉक को भी आप ऑफ कर सकते हैं, लाइट की सेटिंग आपको मिल जाती है, कैबिन की एल्यूमिनेशन इंक्रीज एंड डिक्रीज, 1 टच इंडिकेटर, 357 फ्लैशेस, साथ में हेडलैम्प, और टाइम आउट यानी कि जो फॉलो मी हूम एंड लीड मी टू द व्हीकल फंक्शन है उसको आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, सर्विस रिमाइंडर आपको मिल जाता है, अदर बेसिक फीचर है तो जो ऑटोमेटिकली माइलेज रीसेट हो जाती है जैसे आप पेट्रोल भरवाते हैं,
तो उसको भी आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। यूनिट वगैरह चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, दो लैंग्वेज के ऑप्शन है। और ये काफ़ी कन्वीनियंट रहता है कि यहीं पे जो है बटन दिए गए तो आप बहुत ही ईजीली इसको नेविगेट कर सकते हैं। और अब चलते हैं रियर सीट्स पे, चेक करते हैं क्या क्या वहाँ पे फीचर्स अवेलेबल हैं। कोई भी डोर ओपन होगा आपको प्रॉपर रिमाइंडर मिलेगा। बोनेट ओपन करके देखते हैं तो बोनेट ओपन का भी आपको प्रॉपर यहाँ पे रिमाइंडर मिल रहा है। और अगेन यू कैन सी द डैशबोर्ड। एंड दोस्तों ये है रियर डोर की लुक। सो यहाँ पे स्पीकर अवेलेबल हैं, बॉटल होल्डर, पावर विंडो कंट्रोल्स। ये है रियर सीट्स। यहाँ पे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाती है जो कि बहुत ही अच्छी बात है। सेंटर में एक बहुत ही कंफर्टेबल आर्मरेस्ट भी अवेलेबल है, वो भी दो कप होल्डर्स के साथ। और यहाँ पे आपको पॉकेट नहीं मिलेगी, इस साइड आपको पॉकेट भी नहीं मिलती। अगर आप यहाँ पे सीट अपहोल्स्ट्री लगवाते हैं कोई तो आपको फिर मिल जाएगी पॉकेट पीछे, अभी यहाँ पे फिलहाल नहीं दी गई। देन यहाँ पे आपको रियर एसी वेंट मिल जाएगा, एक 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया, ग्रैब हैंडल विदाउट कोट हैंगर, और इधर भी आपको मिलेगा सेम ही। सेंटर में एक हेलोजन लाइट दी गई है, कैबिन लाइट। एंड ये है डैशबोर्ड की लुक। सो वेबसाइट पे जरूर विजिट करें गाइस, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगी। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले दोस्तों। कोई भी आपके डाउट्स है फटाफट से जाके आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में।